Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. Class 12th history. As you know that nowadays we are discussing your board paper. Board paper 2020 at RT5. My dear, हम लोग सीबीएसई 2020 के पेपर पे पिछले एक हफ्ते से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने हर एक प्रश्न को छोटे छोटे बड़े बड़े सारे चीजों को एक साथ लिया। हमने उन चीजों पे विशेष ध्यान दिया जो आपके एग्जाम्स में आए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और 1 मार्क्स क्वेश्चन 3 मार्क्स क्वेश्चन में हम लोगों ने कई सारे प्रश्नों पर डिस्कस किया। हम लोगों ने सिर्फ 1 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन पे ही डिस्कस नहीं किया, बल्कि उस क्वेश्चन के आसपास जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितने बने हैं, उन सारे क्वेश्चंस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। सपोज हमने एक क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूं, एक कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे पूछा था कि हु वाज द टीचर ऑफ कबीर, तो कबीर के टीचर कौन थे? 1 वर्ड में आंसर है इसका, 1 मार्क्स के आंसर है इसके, लिख सकते हैं आप रामानंद। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रामानंद को पढ़ा, हम लोगों ने फिर कबीर को पढ़ा, कबीर की टीचिंग पे देखा हम लोगों ने, और फिर भक्ति सेंट के कुछ रोल्स को देखा, उनके उनके लैंग्वेज, जो उनके जो सरमन के मेथड्स थे, उन चीजों पर हम लोगों ने बात की। तो हम लोगों ने एक पेपर के साथ साथ उस पेपर के पास जितने भी क्वेश्चन बने हमने उनको कवर किया। वी विल कंटिन्यू दिस क्लासेस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। व्हाई वी आर डूइंग, बिकॉज एज यू नो दैट योर आरटी एग्जामिनेशन इज रनिंग ऑन, रिविजन टेस्ट एग्जामिनेशन, योर दिस इज योर RT5, सो द सिलेबस ऑफ RT5, इफ any question belong to your syllabus RT5, then we have to discuss it. So that's why we are trying to cover those section who is part of RT5. इसीलिए हम लोग एक प्रश्न के लिए इतना टाइम दे रहे हैं, एक पेपर पे इतना टाइम दे रहे हैं। कई लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि हम 2020 की पेपर को इतना टाइम कैसे ले रहे हैं, इतना टाइम कैसे लग रहा है पूरा पेपर सॉल्व करने में। तो आप वीडियो देखें, आपको वीडियो देखने में क्लियर समझ में आएगा कि हम इतना टाइम कैसे ले रहे हैं। चलिए आज इसी क्रम में हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फेमिलियर टाइज एंड रूल्स ऑफ मैरिज एज पर द ब्राह्मणिकल परसेप्शन ड्यूरिंग 6th century BC to 6th century CE। आज हम 8 मार्क के क्वेश्चन, 8 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 8 मार्क के क्वेश्चन में क्या स्पेसिफिक, जब भी आप कभी 8 मार्क के क्वेश्चन को लिखें तो हाइपोथेटिकल टाइप क्वेश्चन ये होते हैं, इनका आंसर आपको एक पूरी हाइपोथेटिकल अप्रोच से देना चाहिए, फैक्ट भी हो, एनालिटिकल व्यू भी हो, जो बुक में दिया है उनको पढ़िए, क्या इसके पीछे के रीजंस थे, क्यों करा गया, ये सब इन चीजों के चीज सारी बातें एक्सप्लेन की गई है। आप उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे चलिए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 पेज मार्क्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब
अब हम यहां से एट मार्क के क्वेश्चन पे बात करेंगे, बार बार मैं चीज कह रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द फेमिलियर Describe familiar ties and describe the familiar ties and rules of marriage. Rules of marriage. Rules of marriage. As per the Brahminical perception, Brahminical perception during Sixth century BC to sixth century C. अब यहां पे एक लंबा खाक है, या मैं इसको और शॉर्ट में कर दूं, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, तो थोड़ा आप घबरा जाएंगे, इसलिए मैं इसको छोटे में लिखता हूं। आप अब आप देखिए, क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि उन चीजों पे बात करिए, डिस्क्राइब द फेमिलियर टाइज एंड रूल्स ऑफ मैरिज। दो चीजें यहां पे, एक कह रहा है फेमिलियर टाइज और दूसरा कह रहा है रूल्स ऑफ मैरिज। फेमिलियर टाइज को बताना है आपको और रूल्स ऑफ मैरिज को बताना है आपको, दो चीज, फेमिलियर टाइज एंड रूल्स ऑफ मैरिज, यू हैव टू एक्सप्लेन इट, आपको इसके आधार पर इसकी व्याख्या करनी है। चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्या आपके बुक में ये आंसर दिया है, सबसे महत्वपूर्ण है, आप ये किस चैप्टर का है। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपके दिमाग में यह बात आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन कहां से उठाया है, तुरंत क्लिक करना चाहिए और क्वेश्चन में क्या पूछेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, रूल्स ऑफ मैरिज की और फेमिलियर टाइज की, कब से, सिक्स सेंचुरी बीसी से सिक्स सेंचुरी सी तक। तो ऑब्वियसली ये चैप्टर आपका कौन सा होगा जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर थ्री, किनशिप कास्ट एंड क्लास। तो किनशिप कास्ट एंड क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ मैरिज पढ़ा था और फिर हमने यहां पर रूल्स ऑफ मैरिज भी देखा था। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको वो चीजें बताता हूं जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाए थे। मैंने रूल्स ऑफ मैरिज में आपको बताया था कि रूल्स ऑफ मैरिज में क्या नियम थे। मैंने कहा था कि रूल्स ऑफ मैरिज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, कि वाइफ सन वर इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द पैट्रिनेज, डॉटर्स वर व्यूड आइदर डिफरेंटली विद इन दिस फ्रेमवर्क। सिक्स सेंचुरी बीसी वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा में जो मेल मेंबर थे उनकी स्थिति, उनको परिवार में एक दूसरी नजर से देखा जाता था और लड़कियों को दूसरी निगाह से, लड़कियों को वैदिक ग्रंथों में दुहिता कहा गया है, दुख का स्रोत कहा गया है। तो अब यहां पे यही कह रहा है कि दोनों की स्थिति में अंतर था, दे हैड नो क्लेम्स टू द रिसोर्स ऑफ द हाउस होल्ड, इट मीन्स द डॉटर्स दे हैड नो क्लेम,
टू द रिसोर्स ऑफ हाउस होल्ड एट द सेम टाइम मैरिंग देम इन टू फैमिलीज आउटसाइड द किंग वाज कंसीडर्ड डिस्क्राइब एंड डिजायरेबल दिस सिस्टम कॉल्ड एक्सोगैमी. Exogamy means that the lives of young girls and women belong to families that claimed high status were often carefully regulated to ensure that they were married at right time and to right person. This gave rise to the belief the kanyadan or the gift of the daughter in marriage was important religious duty to the father. With the emergence of towns, जब शहरों का विकास हुआ, नगर बने, तो इस परिस्थितियों में थोड़ा सा बदलाव आया. और ये बदलाव क्या कर रहा है? कहता है, with emergence of the new towns, social life became more complex. People from near, I mean to say that, कि people from near and met to buy and sell their product and share ideas in urban milieu. This may have led to questioning the earlier belief and practices. Faced with this challenge, the Brahmins responded the laying down code of social behavior in great details. There was meant to be followed by Brahmins. Circular race society generals from the 5th century BC. These norms were compiled Sanskrit text known as the Dharmasastra and Dharmasmriti. According to Dharmasastra and Dharmasmriti, it is clearly explained about that the rules of marriage and ties the familial. What question? The familial ties, Brahminical familial ties ke baare mein baatein karta hai. अब यहां से आपको धर्मशास्त्र और धर्म स्मृतियों में विवाह के लिए जो परिस्थितियां थी उन चीजों के बारे में बताता है. तो आपको क्या लिखना है? पहले आपको 6th century BC से 6th century CE के पूरे एक फेज के डेवलपमेंट को बताना है. इट मींस व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई वांट टू टेल यू दैट कि द चेंजेस व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग 6th century BC टू 6th century CE सोशल चेंजेस, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. एज यू नो दैट the marriage, that was the very important process or act for the family. Daughters and son of the family, they had the different role. Daughters, jo ladkiyan thi, jo putriyan thi, they had not claims on the paternal property. After the marriage, they had to adopt the gotra of their husband. अपने husband का गोत्र उनको adopt करना पड़ता था और अपने पिता का गोत्र उनको छोड़ना पड़ता था. Paternal property में वो claim नहीं कर सकती थी, लेकिन जो gift मिलता था, जो परिवार के लोगों के द्वारा उन्हें gift दी जाती थी, उस पर उनका अधिकार था. कन्यादान एक word है, कन्यादान के रूप में जो चीजें दी जाती थी वो उनकी थी. और इस तरीके से एक पूरी की प्रोसेस, एक पूरी की आप पूरी व्यवस्था आपको दिखाई देती है. अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी. हाउ कैन यू फ्रेम दिस आंसर? ओके, सो आइए देखते हैं. अब इसका आंसर लिखने के लिए हम लोग आंसर में पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग. फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग 6th century BC ऑनवर्ड most ruling dynasties claim to
most ruling dynasty claim to follow the patrilineal system. Follow the patrilineal system, which meant tracing descent from father to son. From father to son, grandson, and so on. It means what I want to tell you. अभी पहले पॉइंट से पहले जो फर्स्ट पॉइंट है उसके आधार पर अगर आप सबको पढ़ें तो एकदम क्लियर दिख रहा है, कह रहा है कि पिता के बाद फैमिली में किसको मिलेगा अधिकार, पुत्रों को, और पुत्रों के बाद उनके पुत्रों को, मतलब फादर टू सन एंड देन आफ्टर ग्रैंडसन एंड सो ऑन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड माय डियर, आल्सो आई टोल्ड यू दैट दिस सिस्टम वाज वेरी इंटरेस्टिंग. अब जो हमने बात की पैट्रिलिनेज की, पैट्रिलिनेज एक वर्ड का हमने यूज किया था, आपको याद होगा. पैट्रिलिनेज ये एक वर्ड में ही इस पूरे सेंटेंस को बता देता है. ये पैट्रिलिनेज वर्ड आपके पूरे स्टेटमेंट को क्लियर कर देता है. अब ये पहला पॉइंट यही था कि ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी अनवर्ड मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज, अब यहां पे मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज के साथ साथ आप जो बड़े प्रॉस्परस फैमिली के लोग थे, इलिट क्लास के लोग थे, वो लोग भी डायनेस्टीज इलिट क्लास डायनेस्टीज क्लेम टू फॉलो द व्हाट पैटरलिनी सिस्टम. ये पैटरलिनी सिस्टम को फॉलो करते थे. पैटरलिनी सिस्टम में क्या था, पिता की संपत्ति किसके पास हो गई, पुत्र के पास, पुत्र के बाद उसके पुत्र को, वही एक्सप्लेन किया है. विच मेंट ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन एंड सो ऑन, दैट इज पैटरलिनी. एंड सेकेंड थिंग विच आई टोल्ड यू दैट डॉटर्स सी कुड नॉट क्लेम द पैटर्नल प्रॉपर्टी. डॉटर्स जो थी वो पैटर्नल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकती थी. मैंने आपसे ये बातें कही, आफ्टर द मैरिड नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेस ऑफ द हाउस होल्ड. विमेन्स नो क्लेम्स, विमेन्स नो क्लेम द रिसोर्सेस ऑफ द हाउस होल्ड. इट मीन्स डॉटर नो क्लेम टू द रिसोर्सेस ऑफ द हाउस होल्ड. ये लाइन आप इसमें मिक्स कर दीजिए. पैट्रिलिनेज मैं इसको मिटा रहा हूं, ऊपर देखिए अगला पॉइंट यहां लिख दीजिए. सेकेंड पॉइंट, डॉटर्स नो क्लेम no claim
on the resource of the household. सेकेंड पॉइंट हो गया आपका. थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे आप? तीसरा पॉइंट अगर आपको लिखना हो तो कह रहे देयर वर द वेरिएशन इन द प्रैक्टिसेस ऑफ पैटर्न लर्निंग. देयर वर द वेरिएशंस इन द प्रैक्टिसेस ऑफ पैटर्न लर्निंग. समटाइम्स देयर वर नो सन एंड इन सम सिचुएशंस ब्रदर्स succeeded one another, sometimes other kinsmen claimed that throne. In the very exceptional cases, women exercise power. Options आपके पास प्रभावती गुप्ता का दिख जाएगा. देखिए पहला हमने बात की पैटर्नलिनेज पे. अभी सेकेंड चीज पे देखिए ध्यान दीजिए. That is the very important things which you have to understand. The next point, third point बात करते हैं. Third point क्या होगा? थर्ड पॉइंट आपका होगा. थर्ड पॉइंट में हम उस सिचुएशन से बात करेंगे जब क्या कि जब कोई पुत्र न हो राजा को कह देर वर्क वेरिएशन इन प्रैक्टिस. देर वर्क द वेरिएशन in practices. There were variations in practices of pattern living. Pattern living. Sometimes there were no sun. Sometimes there were no son. कोई भी लड़का नहीं होता था तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो कहता है ऐसी स्थिति में एंड सम सिचुएशन एंड इन सम सिचुएशन brother succeeded one another. Brother succeeded brother succeeded one another one Another, पहला पॉइंट. फिर दूसरा इसी में है. सबीन करता कहता है इन वेरी एक्सेप्शनल केस इन वेरी एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल केस Women exercised power. Women exercised power. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास मिलेगा एग्जाम्पल के रूप में प्रभावती गुप्ता. ठीक है पहली चीज हमने यहां पे बात की. फर्स्ट पॉइंट पे हमने बात की थी आपको याद होगा पैटर्नलिनी की
पैटरलिनी सिस्टम पे हम लोगों ने बात की थी कि फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन, ये प्रोसेस था पैटरलिनी में। हमने दूसरा बात की कि डाटर्स को क्लेम्ड ऑन द रिसोर्स ऑफ द हाउस होल्ड। थर्ड पॉइंट, देयर वर थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट को ध्यान दीजिए, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे क्या क्या हम लोगों ने बातें की थी, कहता देयर वर द वेरिएशन इन द प्रैक्टिसेस ऑफ पैटरलिनी, वेरिएशन दिखता है किसमें, पैटरलिनी में क्या वेरिएशन दिखता है, कंडीशन अप्लाई कर रहा है क्या, कहता है कि समटाइम्स देयर वर नो सन, जब राजा को कोई लड़का नहीं होता था, इन सम सिचुएशन ऐसी कुछ स्थितियों में क्या मिला, द ब्रदर सक्सीडेड वर एनदर, ब्रदर सक्सीडेड, भाई ने क्या किया, उत्तराधिकार भाई को मिल गया, एंड वन एनदर। अब यहां पे कहां से अब चीज क्या देखेंगे, नॉट ओनली द सिचुएशन ऑफ द डेनिस, आई मीन टू से दैट कि द इन द पैटरलिनी sometimes there were no sun, there were no sun, and यहां पे आप और लिख सकते हैं point कि if king physically unfit, in that situation also brother succeeded him। example आपके सामने है महाभारत, पांडु and धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र was physically handicapped, I mean to say that he was blind, so he was blind, he was unable to throne, and in that case his brother succeeded him, even Dhritarashtra was the elder son, okay। to do conditions, ab teesra condition keh raha hai, in very exceptional case keh raha hai, women's excess exercised power, women's exercised power, the very exceptional case, महिलाएं क्या करती थी, पावर को एक्सरसाइज करती थी। प्रभावती गुप्ता सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। अब इसके बाद आप चौथे ऑप्शन को देखिए, जगह कम है लेकिन फिर भी मैं इसमें फोर्थ को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। कहता है कि द पैटरलिनी वाज शेयर बाई वेल्थ मेन एंड ब्राह्मण्स, पैटरलिनी वाज शेयर बाई पैटरलिनी वॉज शेयर्ड बाई मेन वेल्थ मेन एंड ब्राह्मण, ये हो गया आपका तो फोर्थ पॉइंट, पैटरलिनी वॉज शेयर्ड बाई वेल्थ मेन एंड। अब यहां पे हम लोगों ने चार पॉइंट्स को देखा। पहला पॉइंट हमने देखा कि क्या था, पैटरलिनी सिस्टम फादर टू सन, सन टू ग्रैंडसन एंड सो ऑन, सो दैट्स व्हाई डॉटर्स नो क्लेम्ड ऑन द रिसोर्स ऑफ द हाउस होल्ड, इवन डॉटर्स हैड राइट टू एंजॉय द गिफ्ट विच वॉज गिवन बाय देयर फैमिली। थर्ड पॉइंट, देयर वर द वेरिएशन इन द प्रैक्टिसेस ऑफ पैटरलिनी, sometimes there were no son, or sometimes kings were physically unfit, in that situation what, the brothers succeeded one another, in the very exceptional case the women's exercise power, Prabhavati Gupta is the finest example in history, you can observe it। ye to hamara question number 1,
हमने ये क्या बात किया, आपका जो प्रश्न था उसका पहला पार्ट था, कहता है डिस्क्राइब द फेमिलियर टाइज एंड रूल्स ऑफ मैरिज। ये तो फेमिलियर टाइज हुआ, दीज आर द फेमिलियर टाइज। फोर पॉइंट से हमने क्या बात की, फेमिलियर टाइज की बात की हम लोगों ने। चार पॉइंट से हम लोगों ने फेमिलियर टाइज की बात की, ये फेमिलियर टाइज था। अब हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ मैरिज की। अब रूल्स ऑफ मैरिज क्या था भाई, चलिए रूल्स ऑफ मैरिज भी देख लेते हैं। अगला इसी प्रश्न का जो अगला पार्ट है, हमने कहा था कि क्वेश्चन दो पार्ट में थे, क्वेश्चन दो पार्ट में थे। अब रूल्स ऑफ मैरिज की बात करते हैं, जगत का मैं थोड़ा रूल्स ऑफ रूल्स ऑफ मैरिज क्या था, कई बार हमने इसका जिक्र किया, हम लोगों ने पढ़ा। रूल्स ऑफ मैरिज में मैं सीधे आपको बता दूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि रूल्स ऑफ मैरिज को मैंने कई बार आपको बताया है। रूल्स ऑफ मैरिज में क्या था, गर्ल्स डिड नॉट हैव एनी क्लेम टू द हाउस होल्ड्स, दे वर मैरिड इन टू फैमिलीज आउटसाइड द किन, एंड द गर्ल्स वर मैरिड एट द राइट टाइम एंड टू द राइट पर्सन। चलिए दो पॉइंट लिखी देता हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने पहले आपके उस पॉइंट में लिखा था, अगर आपको याद होगा तो गर्ल्स डिड नॉट हैव एनी क्लेम टू द हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड्स दे वर मैरिड इन टू families outside the king. Families outside the king, गोत्र की बात कर रहा है, अलग गोत्र में इनकी शादी होती थी, दूसरे गोत्र में जाके। और इसके बाद कहता है दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी देख लीजिए, कहता है कि गर्ल्स वर मैरिड एट द राइट टाइम। एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन। थर्ड में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कन्यादान को, यहां पे गिफ्ट या जैसे चीजों को आप एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो ये था पूरा क्वेश्चन, दो पार्ट में तोड़ गई, आठ मार्क का क्वेश्चन, एट मार्क्स का, आठ नंबर के क्वेश्चन को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर बातें करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।